मेरे तमाम साथियों को मेरा सलाम। आज मैं आपको चुकंदर के फायदे और उसे लगाने का तरीका बताऊंगी। चुकंदर शलजम की तरह की जड़ वाली सब्जी है, लेकिन ये बाहर और अंदर से सुर्ख रंग की होती है। इसके पत्ते पालक के पत्तों से मिलते जुलते हैं। ये मुख्तलिफ तरीकों से पकाया और खाया जाता है। चुकंदर से सभी सलाद बहुत खूबसूरत नजर आती है। इसको कच्चा और पक्का दोनों तरह खाया जा सकता है। चुकंदर में पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर, फाइबर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन सी, आयरन और विटामिन B6 पाए जाते हैं। दोपहर में इसकी सलाद खाई जाए तो सारा दिन तवानाई से भरपूर गुजरेगा। बीमारी से उठने वाले अफराद की कमजोरी दूर करने के लिए चुकंदर का शोरबा जौ की रोटी के साथ मुफीद है, क्योंकि चुकंदर के अंदर जो शक्कर मौजूद होती है वो कुदरती है और यही शक्कर तवानाई पहुंचाने का सबब है। चुकंदर में मौजूद मिठास चर्बी नहीं बनाती और ना ही मोटा होने का सबब है। चुकंदर जिगर के सेल को बेहतर करता है और सिल्ली की सोजिश को कम करता है। जहनी सेहत और असाबी तनाव के लिए मुफीद है। असाबी तनाव, चिड़चिड़ाहट, परेशानी जिसकी वजह से और दूसरे जिस्मानी अमराज लाहक हो जाते हैं, चुकंदर इन तमाम परेशानियों और बीमारियों से ज्वाइंटेस, फूड पॉइजनिंग, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की शिद्दत को कम करता है। जिस्मानी और जहनी सुकून पहुंचाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है। चुकंदर का जूस दिल के पट्टे मजबूत करता है। जूस पीने के 2 घंटे बाद ही जिस्म पर इसके बेहतरीन असरात मुरतब होने लगते हैं। उम्र रसीदा अफराद में इसका जूस पट्टों को मजबूत करने के लिए मुफीद है। चुकंदर मौसम सर्मा के शुरू में अगस्त से नवंबर तक लगाया जा सकता है। इसकी मिट्टी रेतीली और नरम हो, क्योंकि ये जड़ वाली सब्जी है। 8 से 10 इंच की गहराई वाले गमले में उगाया जा सकता है। गमले की चौड़ाई जितने चुकंदर उगाना है उसके हिसाब से ले लेंगे। गमले में आधी मिट्टी और आधी खाद मिक्स करके गमला तैयार कर लें। मिट्टी को पानी से गीला करने के बाद 4 इंच के फासले से आधा इंच की गहराई में इसके बीज लगाएंगे। एक जगह एक ही बीज लगाएं। 1 हफ्ते के अंदर पौधे निकल आएंगे। चुकंदर के पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। अगर धूप नहीं होगी तो पत्ते तो इसके बड़े होंगे, लेकिन नीचे चुकंदर नहीं बनेगा। पानी रोज़ाना दिन में एक बार देना है। अगर पत्ते ज़्यादा बड़े हों तो उनको काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 2.5 माह में चुकंदर तैयार हो जाएगा। चुकंदर के फायदे और उसके उगाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब किसी दूसरी सब्जी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।